सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सारण भारत गणराज्य के बिहार प्रांत में स्थित एक प्रमंडल कमिश्नरी एवं जिला है। यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय छपरा है। गंगा, गंडक एवं घाघरा नदी से घिरा ये जिला भारत में मानव बसाव के सर्वाधिक प्राचीन केंद्रों में से एक है। संपूर्ण जिला एक समतल एवं उपजाऊ प्रदेश है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर स्थित ये जिला सोनपुर मेला, चिरांद पुरातत्व स्थल एवं राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ बिहार के सारण जिला की कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व में वैशाली और मुजफ्फरपुर, पश्चिम में सिवान और उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, उत्तर में सिवान और गोपालगंज और दक्षिण में पटना और भोजपुर जिला से घिरा हुआ सारण जिला कुल 2,641 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से 2,158 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, 59.13 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत और बाकी का क्षेत्रफल घरों, फैक्ट्रियों और अन्य संरचनाओं के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में सारण की भूमि वनों के असीम विस्तार और इसमें विचरने वाले हिरणों के कारण प्रसिद्ध था। हिरण एवं वन के कारण इसे सारंग अरण्य कहा गया, जो काल क्रम में बदलकर सारण हो गया। ब्रिटिश विद्वान जनरल कनिंघम ने ये ऐसी धारणा व्यक्त की है कि मौर्य सम्राट अशोक के काल में यहाँ लगाए गए धम्म स्तंभों को शरण कहा जाता था, जो बाद में सारण कहलाने लगा और इस क्षेत्र का नाम बन गया। सारण का मुख्यालय छपरा काफी प्रसिद्ध रहा है और अक्सर इसे छपरा जिला भी कहा जाता है। प्रशासनिक संरचना। दोस्तों, प्रशासनिक संरचना की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सारण जिले के अंतर्गत 3 अनुमंडल छपरा सदर, सोनपुर, मढ़ौरा, 20 प्रखंड छपरा, मांझी, दिघवारा, रिवीलगंज, परसा, बनियापुर, अमनौर, तरैया, सोनपुर, गरखा, एकमा, दरियापुर, जलालपुर, मढ़ौरा, मसरख, मकेर, नगरा, पानापुर, इसुआपुर, लहलादपुर, 330 ग्राम पंचायत, 1,767 गांव, 1 नगर निगम, 4 नगर पंचायत दिघवारा, सोनपुर, मढ़ौरा, रिवीलगंज आते हैं। छपरा में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। गांधी चौक से नगर पालिका चौक के 3.5 किलोमीटर लंबी डबल डेकर फ्लाईओवर 411.31 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जुलाई 2018 में इस डबल डेकर फ्लाईओवर का आधारशिला रखा था, जो जून 2022 तक पूरा होने वाला है। फ्लाईओवर की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण NH-19 पर पुलिस लाइन, गांधी चौक, मौना चौक, नगरपालिका चौक, बस स्टैंड और जिला स्कूल के पास दारोगा राय चौक में खत्म होने पर NH-19 पर भिखारी ठाकुर चौराहे के पूर्वी तरफ से किया जाएगा। पर्यटन स्थल। दोस्तों, बात अगर पर्यटन स्थल की करें तो मैं आपको बता दूं कि सारण जिले में चिरांद, सोनपुर मेला, हरिहर नाथ मंदिर, मांझी, अम्बा स्थान आमी, दधेश्वर नाथ मंदिर, गौतम स्थान, गढ़ देवी मंदिर, बाबा शिलानाथ मंदिर आदि शुमार हैं, जिनकी चर्चा देश के कई हिस्सों में की जाती है। होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। दोस्तों, सारण जिले में मौजूद कुछ प्रमुख होटलों में होटल मिड टाउन, होटल सिटी पैलेस, इंद्रलोक होटल, होटल अशोका ग्रैंड, होटल ब्लू स्टार, होटल शिमला, होटल राज दरबार और होटल रामदूत आदि शामिल हैं, जहां ठहरकर आप शहर के मनोरम नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट।
दोस्तों, सारण जिला सड़क व रेल माध्यम से भारत के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जहां एक और सड़क मार्ग में नेशनल हाईवे संख्या 28B, 85, 101, 102 और 19 यहां से गुजरती है, तो वहीं रेल मार्ग में यहां पर मौजूद छपरा जंक्शन भारतीय रेलवे के नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन के वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत आता है और देश के अन्य हिस्सों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सारण जिले का नजदीकी हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना है, जो कि यहां से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर है। जनसंख्या, दोस्तों सारण जिले की कुल जनसंख्या 39,51,862 है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 20,22,821 जबकि महिलाओं की जनसंख्या 19,29,041 है। सारण जिले की कुल जनसंख्या में से 2,98,637 लोग शहरी क्षेत्रों में जबकि बाकी के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व, दोस्तों सारण जिले में एक वर्ग किलोमीटर में 1,493 लोगों की आबादी रहती है। धार्मिक जनगणना, धार्मिक रूप से देखा जाए तो सारण जिले में 89% हिंदू, 10% मुस्लिम जबकि बाकी के लोग अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं। लिंगानुपात, दोस्तों सारण जिले का लिंगानुपात मात्र 949 महिला प्रति 1000 पुरुष है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। साक्षरता दर, दोस्तों साक्षरता दर के बारे में आपको बता दूं कि सारण जिले की कुल साक्षरता दर 65.96% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 77.03% जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 54.42% है। भाषा, दोस्तों सारण जिले के भाषा के बारे में आपको बता दूं कि सारण जिले में मुख्य रूप से हिंदी भाषा और भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल बोलचाल में किया जाता है। प्रमुख स्कूल्स और कॉलेजेस, दोस्तों सारण जिले में मौजूद कुछ प्रमुख स्कूल्स और कॉलेजों में सेंट्रल स्कूल छपरा, सारण एकेडमी हाई स्कूल, RBS पब्लिक स्कूल छपरा, जिला स्कूल सारण, राजकीय कन्या विद्यालय सारण, राजपूत उच्च विद्यालय, साधुलाल पृथ्वीचंद माध्यमिक विद्यालय, भागवत विद्यापीठ, इंपीरियल पब्लिक स्कूल, SDS महाविद्यालय छपरा, गंगा सिंह महाविद्यालय, जगलाल चौधरी महाविद्यालय, जयप्रकाश महिला महाविद्यालय, तपेश्वर सिंह महाविद्यालय, राजेंद्र महाविद्यालय छपरा, राम जयपाल महाविद्यालय सारण, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान छपरा, छपरा मेडिकल कॉलेज, ITI मढ़ौरा, पॉलिटेक्निक कॉलेज मढ़ौरा आदि शामिल हैं। प्रमुख हॉस्पिटल्स, दोस्तों सारण जिले में मौजूद कुछ प्रमुख हॉस्पिटलों में सदर हॉस्पिटल छपरा, नारायणी हॉस्पिटल छपरा, अशोका हॉस्पिटल छपरा, उपहार मेडिकल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, महावीर हॉस्पिटल, सारण नर्सिंग होम एंड रिसर्च सेंटर आदि शुमार है। औद्योगिकी संस्थान, दोस्तों छपरा जिले में कई सारे औद्योगिक व निर्माण संस्थान हैं, जिनमें रेल पहिया कारखाना बेला दरियापुर, डीजल रेल इंजन लोकोमोटिव कारखाना मढ़ौरा, सारण इंजीनियरिंग मढ़ौरा, सारण डिटेलरी मढ़ौरा, चीनी मिल मढ़ौरा, मोरन मिल मढ़ौरा, रेल कोच फैक्ट्री सोनपुर आदि सम्मिलित हैं। प्रति व्यक्ति आय, दोस्तों सारण जिले का प्रति व्यक्ति आय मात्र 15,547 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषक हैं और गेहूं, धान, मक्का, आलू, दलहन एवं तिलहन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कुल जोत का सर्वाधिक हिस्सा गेहूं एवं धान की बुआई में इस्तेमाल होता है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, दोस्तों सारण जिले की मिट्टी ने कई महान विभूतियों को जन्म दिया है, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर, चित्रगुप्त, आनंद मिलिंद, धरणी दास, रामचंद्र मांझी, रामदुलारी सिन्हा, कपिल पांडेय, ब्रजकिशोर प्रसाद, दारोगा प्रसाद राय, खुदा बख्श, महेंद्र मिसेर, रघुवीर नारायण, राजीव प्रताप रूढ़ी, सुरूर होदा आदि शामिल हैं। क्राइम रेट, दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018 के रिपोर्ट के अनुसार सारण जिले का क्राइम रेट 226.73 है।
तो दोस्तों सारण जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।